सदैव प्रफुल्लित रहने वाली देवी लक्ष्मी के मुख पर चिंता क्यों? देवी, ये एक माँ की चिंता है अपनी पुत्री को लेकर। हो तो आपको भी रही है, किंतु आप अपने ज्ञान और कला के आवरण से उसे छुपा लेती हैं। किंतु हम तो चंचला हैं, जो मन में वही मुख पर। परंतु देवी, आपके चिंता का कारण क्या है? यही कि यदि वैष्णवी को भान ही नहीं हुआ कि आज उसकी कक्षा है, और यदि वो आई नहीं तो? ऐसा नहीं होगा दीदी, वो अवश्य आएगी, आस्था रखिए। उसके भीतर त्याग की भावना का यदि उदय हुआ है तो उसका अपने अंतर मन से संबंध भी प्रगाढ़ हो रहा है। शीघ्र ही वो अपने हृदय की ध्वनि, उसके सूक्ष्म संकेतों को समझने लगेगी। शीघ्र ही वो हमारा सत्य भी जान जाएगी। परमा, विद्या और माया के शद्म रूप में हम कौन हैं, उसे ज्ञात हो जाएगा। लक्ष्य तुम्हारा सिद्ध हो। तो पुत्री, कल तुमने अभ्यास किया था? हाँ, वो तो किया था, किंतु कक्षा शुरू होने से पूर्व हमें आप लोगों से क्षमा मांगनी है। क्षमा? क्षमा क्यों पुत्री? क्योंकि जब हमारी पहली बार गांव में भेंट हुई थी तब हमें लगा कि आप में कुछ देवी है, तो उस समय हम ठीक से समझ नहीं पाए। उचित रूप से आपको बुला भी नहीं पाए। आप हमें क्या बुलाना चाहती है पुत्री? वैष्णवी ने हमें संसार का सर्वोच्च सुख प्रदान किया है। इस शब्द की ध्वनि हमारे मन मस्तिष्क में सदैव गूंजती रहे। पुत्री, कभी कभी कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिन्हें सुनने के लिए हम वर्षों प्रतीक्षा करते हैं। जब वो प्रतीक्षा पूर्ण होती है तो आनंद की अनुभूति होती है। आनंद के इस अतिरेक से अश्रु निकल आते हैं। गुरुमा, आज आप हमें क्या सिखाएंगी? जीवन और सरगम के विषय में हम और जानना चाहते हैं। कुछ नहीं। क्यों, हमसे कुछ टूटी हुई है?
नहीं पुत्री, तुमसे कोई त्रुटि नहीं हुई है। पुत्री, हमने जो शिक्षा देनी थी वो तो हमने दे दी। तो आपने तो हमें केवल कुछ ही समय सिखाया, बस इतना सा ही? हाँ, इतना सा ही। जैसे एक विशाल वृक्ष को लगाने के लिए एक बीज बोना पड़ता है, विशाल वृक्ष नहीं है ना, उसी तरह हमने तुम्हारे भीतर संगीत के माध्यम से ज्ञान का बीज बोया है, जो समय के साथ स्वयं विशाल होता जाएगा, फल फूल कर रंग गंध और स्वाद बांटता रहेगा। पुत्री, यदि यही ज्ञान ये तुम्हें शब्दों में देती तो तुम्हें सिखाने में अनंत काल लग जाता, इसीलिए संगीत को चुना। इन सात सुरों में संपूर्ण सृष्टि समाई है पुत्री। पुत्री, किंतु अब इस बीज की देखभाल आपको करनी होगी, आपको इसे वृक्ष बनाना होगा। कैसे, क्या करना होगा? पुत्री, तुम बस अपने अंतर मन से संबंध स्थापित करो, उसकी वाणी उसकी इच्छा को सुनो, उसे समझो और अपने जीवन में उसे ढालने का प्रयत्न करो, ठीक है? जी गुरु मां, हम करेंगे। तो आज हम वैष्णवी, तुमने ना कल रात्रि ढंग से भोजन किया, ना आज सुबह दूध पिया, ना जलपान ग्रहण किया। शीघ्र चलो और अपना जलपान समाप्त करो, उसके पश्चात ही कुछ करना। माँ को कैसे समझाएं कि हमें भूख नहीं है, क्या करें? हमें समझने का प्रयत्न कीजिए। चलो पुत्री। महारानी, हमें तो समझ में आ रहा है, परंतु आप अभी भी ये समझने में असमर्थ हैं कि वैष्णवी हमारी शिष्या है। जब एक शिष्य अपने गुरु के साथ होता है तो उसके लिए ज्ञान ही सर्वोपरि है। यदि आप इसी प्रकार हमारी कक्षा में अवरोध डालती रही, वो भी इसीलिए कि ये आपका महल है, आपका आधिपत्य है, तो हम अपना विवेक बनाए रखिए। आप दोनों ही ये भूल रही हैं कि आप दोनों की प्राथमिकता एक ही है, वैष्णवी। तो हम अपनी पुत्री को जलपान करवाने ले जा सकते हैं? अवश्य। वैष्णवी के जलपान के पश्चात ही हम अपनी कक्षा प्रारंभ करेंगे। चलो पुत्री। शांत जाइए देवी, वैष्णवी को तो देखिए। वही तो देवी, ऐसे तर्क वितर्क और अपनी माँ की हट से वैष्णवी विचलित हो गई है। नहीं नहीं देवी, माँ वैष्णो देवी की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता। वैष्णवी, तुम यही रुको, हमें तुमसे कुछ अति आवश्यक बात करनी है, कहीं जाना नहीं, समझ गई?